जय माता दी फैमिली, हैप्पी नवरात्रि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। तो आज नवरात्र का पहला दिन है, आज ब्रह्मचारिणी माता जी का दिन है। तो मेरी पूजा हो गई है, कलश स्थापना हो गई है, सारी पूजा हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ, चाय पीऊँगी। और चलिए आपको जैसे दरबार सजाया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और क्या सब जैसे मैंने किया है मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं अभी पूजा करके ही फ्री हुई हूँ, पानी पीऊँगी। मैं पूरा 9 दिन पानी ही पीती हूँ और सुबह शाम चाय पीती हूँ। पूजा करने के बाद सुबह और पूजा करने के शाम के बाद, और बाकी प्यास लगती तो पानी पीती हूँ। और बस मैं फलारी नहीं करती हूँ और ना कोई फल खाती हूँ और ना ही कोई फल बना, ना तो कुछ वो बना के खाया जाता, आलू कल्हाना ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, मीठा भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ। बस सुबह शाम की एक एक चाय पीती हूँ, बस मैं ऐसे ही रहती हूँ। और अभी से नहीं, बहुत साल से मैं ऐसे रह रही हूँ, काफ़ी साल हो गया, सिर्फ पानी के ही उस पानी से ही रहती हूँ जैसे बताया। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और बच्चों पैर छुओ माता जी के, पहले प्रसाद ले रहे हैं, ये देखिए। थोड़ी सी लाइट की कमी होगी, आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी पूजा सारी संपन्न हुई है, सीधा पड़ो, पूजा करो। तो आयुष कुछ बोलो सबको, हैप्पी नवरात्रि बोलो, तुम भी बोलो। अभी इनको तो प्रसाद लेके भागना था, तो ये लगे हुए हैं फल फ्रूट खाने में, प्रसाद खा रहे हैं। तो मैंने इस तरह से स्थापना करी है कलश की, देखिए सारी पूजा आप देख लीजिए। कैसा मैंने सजाया है कमेंट जरूर करना, माता का दरबार कैसा लग रहा है, और माता के नाम से एक लाइक जरूर करना गाइस। और आज ये वाली माता का दिन है, मैं दिखा रही हूँ, आपको पता होगा। वैसे जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए, जिन्हें नहीं पता है रुकिए बता। ये वाली माता आपको दिख रही है, ये ब्रह्मचारिणी माता है, आज इन्हीं का दिन है और इन्हीं की ही पूजा आज होगी। तो मेरी सारी 9 माताएं हैं, तो मैं एक एक दिन रोज बताऊंगी आप कौन सी माता कौन सी है। तो ये हवन पूजन सब हो जाता है, तो गाइस पूजा मेरी कैसी लग रही है बताना। और फिर मैं तुलसी में पानी जल वगैरह, गंगा जल वगैरह मैं छोड़ आई हूँ और डाला हूँ गंगा जल। और 9 दिन पाठ करती हूँ एक एक माता का, जो एक एक माता है उनकी कथा करती हूँ, इसी तरह मैं करती हूँ। और सजाना मतलब ये सब दिखाने में काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिखा पाई, क्योंकि वीडियो बनाते कि ये पूजा भी करना बहुत ज़रूरी है। पहले कमेंट जरूर करना कैसे लग रहे हैं सब, और जय माता की भी लिखना गाइस, जय माता की जरूर लिखना। और फैमिली आप लोगों की माता रानी सारी मनोकामनाएं खूब इस नवरात्र, और हमेशा ही भगवान माता रानी आप लोगों की जितनी दिक्कतें हैं, जितनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूर्ति करें, और जितनी दिक्कतें हैं सारी दूर, रोग और व्यापार में तरक्की दें भगवान आप लोगों को, आपको भी खुश रखें, हमको भी खुश रखें। माता रानी से यही दुआ करते हैं।
और आप लोग भी दुआ कर लीजिए और देख लीजिए हमारा ये दरबार। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार। जय माता की जरूर लिखिएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं नवरात्रों में बहुत ज़्यादा ही मेरा मन अच्छा सा होता है, वैसे सभी का होता है, ये 9 दिन आते ही इसलिए हैं कि अच्छा अच्छा सबको लगे। और माता रानी आ गई हैं तो आप देखिए रौनक कितनी है, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, आज मिंटी मिंटू के बच्चे से आपको मिलाते हैं, फिर से देखते हैं कितने बड़े हुए हैं। कल आप देख चुके हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। गुलाबी रंग प्यारा, हम लोग, मैं पानी पीने जा रही हूँ अभी। मंदिर में उड़े रे गुलाल, गुलाबी रंग प्यारा लगे। मंदिर में उड़े रे गुलाल, गुलाबी रंग प्यारा लगे। हाथ मैया के कंगना सोए, हाथ मैया के कंगना सोए। मेहंदी लाल मिलाल, गुलाबी रंग प्यारा लगे। मैं अब गाना आपको बताया, हम लोग गाना गाते हैं, मैं रोज गाती हूँ शाम को, किसी दिन गाना मैं पूरे गाने आपको सुनाऊंगी, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ही गा रही थी। अभी ये देखिए मेरे, ये देखिए काना से मिल लीजिए, काना है ये, काना है ना, काना है ना, कौन है ये, काना है, हाँ। तो ये मेरा काना है, और काना को अभी मैंने ना काना को खाना खिलाना है, काना खाना खाएगा अब। ये देखिए ये काना है और ये राधा है, तो काना और राधा को खाना खिलाएंगे अभी, इनकी बारी आई है खाना खिलाने की। तो थोड़ा सा पेट भरा है, थोड़ा सा खा लिए, तो खाना देखिए मैं कैसे खिलाऊंगी चम्मच से, और बड़े आराम से खाते हैं मेरे बच्चे खाना। और भूखे हो, और इनको मन नहीं कर रहा खाने का, ये वो सोच रहे हैं कि आज सतुआ नहीं है ना। जल्दी कर लो, राधा आ रही है, जल्दी कर लो, जल्दी खा लो खाना। अभी इनको खाना खिला देते हैं, फिर आपको मिल्टी मिल्टू के बेबी से मिलाते हैं, ठीक है। अभी राधा को खिला ले, राधा को राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। हाँ, कौन कहता है भगवान आते नहीं, ओ कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जानकी बहन देखा मेरे काना और राधा को, ये राधा है बड़ी वाली, और ये काना है छोटा वाला, छोटूसा मेरा काना है, छोटूसी मेरी राधा है। तो आप राधा और काना से मिल लीजिए, और इनके मम्मी पापा का नाम है टीटू, और इनके पापा का नाम है ट्यूटू, और इनकी मम्मी का नाम है ट्यूटी, ट्यूटी टीटू ट्यूटी। और मिंटू मिंटू, मिंटू का नाम है मिंटू, मिंटी का नाम है मिंटी।
इनका पेट भर चुका है मेरे बच्चों का। अभी ये लोग खाना खा चुके हैं, अब इनको खा लेंगे, फिर भी उसके बाद भी मांगते रहते हैं। इनको ज़्यादा नहीं खिलाना है, ये तो मांगते ही रहेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से इनको खिलाएंगे। छोटे बच्चों को ऐसे ही खिलाना पड़ता है, और जैसे बच्चों को रखा जाता है ना, ऐसे ही इनको भी रखा जाता है प्यार से रोल के। अरे मेरे जूता नहीं करना भैया, चलो अंदर चलो, अरे चलो अंदर है, दूसरों को लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। चलिए आपको मिलते मिलते बच्चों से मिलाते हैं, ठीक है। गाइस ये देखिए कितने क्यूटू हैं बच्चे मिंटू मिंटू के। अच्छे लग रहे हैं ना। और अभी इसमें वाइट स्किन इनकी आने लगी है, मैंने पता ना 15 तारीख तक इनके सारे बाल आ जाएंगे, गिनना नहीं। ये 5 बेबीज है देखिए, ए ए ये देखिए कितने क्यूट है ना, प्यारे प्यारे। अब बड़े भी हो गए, थोड़े थोड़े से बड़े हुए उस दिन से, उस दिन तो थोड़े लाल थे, अभी वाइट वाइट आने लगा, हल्का हल्का सा आपको नहीं दिखेगा लेकिन वाइट वाइट आ रहा है। 14-15 तारीख तक पूरे ये वाइट हो जाएंगे, बढ़ते भी बहुत जल्दी है ये लोग, और कितने खूबसूरत है, क्यूट क्यूट। ये गणेश जी की सेना है ना, गणेश जी की सेना है, जो माता जी के आने से पहले गणेश जी की सेना हमारे घर आई है, तो ये गणेश जी के आशीर्वाद है। प्याले प्याले छोटे छोटे मेरे, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे घर में बच्चे हैं, मिट्टू मिट्टी की। देखिए राधा और काने काना बोल रहे हैं, उनको खाना ही चाहिए होता, दिन भर बोलते हैं दिन भर। और जब अभी देखिए ये आ रही है, ट्यूटी आ रही है बाहर टहलने, दिखा दो। देखिए सब खुले हुए हैं, समय सब जिसका जहाँ मन है वहाँ खेलता है, जहाँ मन है जहाँ जाता है। ये देखिए ये ट्यूटी है, ये भी टहल रही मज़े से, देखिए है। अभी जा रही है बच्चों के पास, सोच रही है हम जाए बच्चे से खेलने, आवाज़ सुन रही है ना, तो ये सोच रही जाए कहाँ, बोल रही है क्योंकि ये देखो क्या है, ये देखो इधर देखो कि ए आओ लो, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास आओ, नहीं आओगी इधर देखो ये क्या है, ये देखो क्या है क्यूटी, ये क्या है देखो, नहीं आएगी। मिंटू अपना बेबी चाहिए, अब रख दो भाई, अब रख दो, ज़्यादा हाथ में नहीं ले सकते ना गाइस, तो मैं रोज़ दिखाऊंगी आपको इसको, धीरे धीरे इनकी आंखें खुलेंगी, 15-13-14 तारीख में इनकी सारी आंखें खुल जाएंगी सबकी एक साथ। अभी इनके रोए आना शुरू हो गए, हल्के हल्के मुझे देख रहे हैं तो, और इनकी आंखें खुल जाएंगी, इनके बाल भी आ जाएंगे, तब ये बहुत अभी इतने कितने मासूम कितने क्यूट क्यूट बेबी है ना छोटे छोटे। चलो इनको रख देते हैं, ठीक है गाइस। देखिए पीयूष खेल रहा है मिंटी के साथ, और ये मिंटी है, ये देखिए इसके दूध बच्चे भूखे है, इसके दूध देखा दिखा 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 छोटे छोटे और सब जब ये लेटती है सब लोग छोटे छोटे मुझे छोटे छोटे हैं सब जाके लग जाते हैं दूध में, दिखाओ तो आगे सबको, और दिखाओ काटते नहीं है गाइस, ये लोग बहुत सीधे होते हैं, छोड़ो तो दबाओ नहीं है फिर उसकी जान निकल जाएगी, नाजुक है बच्चे ये देखिए। अभी अपने बच्चे को दूध पिलाएगी ये छोटी छोटी, अरे मेरे बच्चे, तो ये छोटे छोटे बच्चे ना जो दूध पिलाएगी अपने बच्चों को। और अमिट्ठू वो इसका चूहा अपने बच्चों के पास जाता ही नहीं ना, उसको देखता है और ना उन लोगों को प्यार करता है, पता नहीं जाता ही नहीं, अभी छोटे छोटे देख के भाग आएगा। और ये बेचारी सारा दिन इसके बच्चे इसको लेके सारा दिन बेचारी लेटी रहती है, दूध ही पिलाती रहती है, और वो लोग इसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन जब ये जाती है तो सब लोग इसको जैसे ये वैसे वो लोग भी जैसे ये बच्चे नहीं अपनी माँ के साथ लग रहे थे वैसे वो लोग भी लग रहे थे। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जय माता की जरूर लिखना, और ये मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करना, और आपकी नवरात्रि आपने कैसी पूजा करी वो भी बताना, और जय माता लिखना, और क्या बोलूँ, और चलते चलते कहती हूँ।
पहले खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा को प्यार नहीं करते उसके बाद भी मम्मी पापा की सेवा करो, उनका ख्याल रखो, प्यार करो या ना करो, आप फिर जिसको उसके बाद जिसको प्यार करते हो उसका ख्याल रखो। मतलब मेरा कहने का मतलब है माँ बाप से प्यार करने वाला मतलब नहीं है आप प्यार करो या ना करो, उनको ख्याल रखना है तो रखना है, क्योंकि माँ बाप माँ बाप होते हैं। चाहे जैसे बस ये कहने का मतलब है। तो गाइस लाइक कमेंट और ये मेरी आखिरी दम तक बताएं, मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी सांसें चल रही है और ये मेरा मंत्रा रहेगा। मैंने ये वीडियो जब से स्टार्ट किया मैं तब से ये कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, आखिरी दम तक मैं कहती रहूँगी। और ये आज जिनकी बात है सबकी बात है, सबके लिए नहीं है, जो करते हैं अपने माँ बाप के ध्यान रखते हैं सेवा रखते हैं, मैं सबको नहीं कहती, जो नहीं करते हैं शायद मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, मैं सबको नहीं कहती जो कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग करते हैं अच्छे करते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, और जय माता दी जरूर लिखना, और जहाँ गलती की हो सॉरी, जहाँ भूल चुक हो जाए माफ़ कर दिया करो, ज़बरदस्ती के लिए माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है फालतू, क्योंकि मैं जो आता है दिल पे वो बोलती हूँ और फ्रेंड पे बोलती हूँ, और यही तो फ्रेंड होता है ना, दुनिया को दुनिया के सामने बोल दी तो और इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए, मुँह पर बोलना ये सब क्या होता है, तो फ्रेंड पर बोल रही हूँ, दुनिया के सामने बोल रही हूँ। तो ओके फैमिली, बाय, कल मिलते हैं।